बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शिवराज जी लाइव है, शिवराज जी लाइव है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है, और राज्य सरकार ने भी मैंने कल जैसी घोषणा की है पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं, और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। सर क्या जानकारी, कब तक चलेगा सर, कब तक चल सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन, कोई जानकारी? मुझे लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा। कितने दोषी, कितने दोषियों पे अभी कार्रवाई की, कुल कितने? मैंने बताया जांच के बाद, जांच के आदेश हुए जो भी दोषी होगा कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।